जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार हमला किया है। अनुराग ने कहा है, कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार के बारे में सोचती है। आज राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तगड़ा पलटवार है। तो राहुल की यात्रा पर अनुराग ठाकुर का यह हमला, जहां कहते हैं कि कांग्रेस को केवल एक परिवार की ही चिंता है, ये बयान है अनुराग ठाकुर का। केंद्रीय मंत्री, जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में, चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया है। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूँगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो।